हाँ जी जरूर देख सकते हैं क्योंकि आपको बता दूं 1990 में पहले एशियन गेम में शामिल हुई थी कबड्डी तो उस टाइम पे एशियन गेम और सेफ गेम ही था और हम हमारे हमारे जब हम खेलने लगे तो उसमें एशिया चैंपियनशिप भी वर्ल्ड कप भी कई से इंडोर गेम भी एशियन गेम बहुत से इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट होने लगे कबड्डी में प्रो लीग भी आ गई तो अब क्या है कि आज प्रो कबड्डी आने से अगर लड़का कोई मैं एक आपको बताता हूँ प्रदीप नरवाल प्रदीप नरवाल कभी जूनियर नेशनल नहीं खेला था कभी नेशनल नहीं खेला था कभी इंडिया नहीं खेल रहा था तो मैं सेकंड सीजन में उसको लेके गए थे और वो अच्छा खेला फिर थर्ड सीजन में वो पटना की टीम में चले गए तो वो इंडिया और नेशनल बाद में खेला था पहले उसने अपने इंडिया में ये कर दिया था कि प्रदीप नरवाल बहुत अच्छा खिलाड़ी है तो आज का मानना यह है मेरा कि, कि कबड्डी ऐसी चीज है कि आप एक तो खर्चा नहीं है ज्यादा गेम में जब आप खेलने लगोगे तो ज्यादा खर्चा नहीं है क्योंकि एक किट लेके तो जाना है और कहीं भी मिट्टी का ग्राउंड बना के आप खेल सकते हो तो जैसे कि क्रिकेट में है बैच अलग लेके आना पड़ता है पैड अलग है किट कीट, है किट पूरा बैग किट बैग लेके आना पड़ता वही पचास साठ एक पचास साठ हजार या लाख दो लाख का कितने का आता मुझे पता नहीं तो कबड्डी ऐसा चीज़ गेम है कि आज मैं आपको बता दू जिस गांव में कबड्डी नहीं खेलते थे नाम भी नहीं था कबड्डी का उस गांव में भी कबड्डी की आज चार चार टीमें बन गई है मतलब की पचास पचास लड़के कबड्डी खेल रहे हैं तो कबड्डी आज के दिन बहुत ऊपर जा रहा है और मैं तो कहूंगा और जाना भी चाहिए आज आप ये मान लो कि हमारी जब प्रो कबड्डी शुरू होने से पहले अठारह से बाईस साल के लड़कों की ट्रायल होती है वो टीम में चार या छह लड़के लेने पड़ते हैं अठारह से बाईस साल के तो उसमें ये मान लो आप मान लो अपने हरियाणा में एक ट्रायल होती है तो कम से कम बारह सो पंद्रह सो लड़के आते हैं ट्रायल देने ऐसे तमिलनाडु में ऐसे महाराष्ट्र में तो अब पहले इतना कबड्डी का क्रेज नहीं था बहुत कम आदमी जानते थे बचपन में स्कूल में तो सब खेल रहे हैं कबड्डी पर ये नहीं पता था कि कबड्डी आज इतने ऊपर तक चली जाएगी तो अब नए बच्चे इतने खेल रहे हैं तो वो टैलेंट भी आय आएगा अच्छा अच्छा भी देखो जैसे नवीन आ गया नवीन लड़का है पवन है तो ये लड़के आ उबरते सितारे हैं आगे 10-15 साल खेलेंगे इंडिया के लिए भी खेलेंगे और उनका भी कैरियर अच्छा हो रहा है अब मान लो अब एक, एक डेढ़ डेढ़ करोड़ एक खिलाड़ी को मिल रहा आज के दिन तो मेरा मानना है कि कबड्डी में आप अगर खेलेंगे कोई भी बच्चा और अच्छी ने प्रैक्टिस करेंगे तय तपस्या तो से डिसिप्लिन से रह के अच्छा खिलाड़ी बनेगा तो बहुत ऊपर तक जाएगा मेरा मानना तो यही है जी